क्या काट रही हैं आप? मैं काट रही हूँ आलू फ्रेंच फ्राइज के लिए। कितने कट गए दिखाओ। हुँ। पानी चेंज करूंगी ना। हुँ। इनको पहले कर लेंगे बॉईल और उसके बाद आलू। वालेकुम, वेलकम टू वजी हाउस कुकिंग व्लॉगिंग। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक फिट फाट मजे में? मैं भी अल्लाह की करम से बिल्कुल ठीक हूँ। तो भाई आपने स्टार्टिंग में देख लिया इनका गार्डन में आलू, और इतने सारे आलू ले लिए हैं। 100 रुपए के 5 किलो आलू मिल रहे हैं कराची में कुछ कुछ एरियाज में, और जबकि कुछ एरियाज में मिल रहे हैं 40 रुपीज पर के जी। तो भाई हमने सोचा इतने सारे आलू हैं तो बाहर से फ्राइज़ खरीदने की क्या ज़रूरत है, हम घर में ही बच्चों को साफ साफ से फ्राइज़ बना के देते हैं। और आलू को स्टोर भी करना मैं सोचूंगी आप, मतलब फ्राइज़ को किस तरीके से आप हाफ डन करके फ्रीज कर सकते हैं, और जब बच्चे स्कूल जा रहे हों तो आप उन्हें भेज दें लेके, मतलब फ्राई करके कम टाइम लगे। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखा करिए, और जो है ना लाइक भी कर दिया करें। नए आलू का फ़ायदा ये होता है, एक तो ये जल्दी गल जाते हैं और पील वगैरह करना इतना वो नहीं होता, इनको एक बस खुरच लो और अच्छी तरह से वॉश कर लो तो हो जाते हो। कराची में इतनी शदीद सर्दी हो रही है, इतनी कि मैं बस किचन में इसीलिए आ रही हूँ कि मैं खाना पका लूँ। और जो है ना ये बेटा टैप खोल दो, मैं जो चाहिए खाना पकाऊँ और बस जल्दी से चली जाऊँ। एक्स्ट्रा जो मैं डीप क्लीनिंग वगैरह जो अक्सर कर रही होती हूँ ना, ये कर लिया वो कर लिया, आजकल नहीं हो रहा वो। एक तो दूसरी बात, मैं इस जान के इसलिए भी इतना नहीं कर रही कि मिट्टी इतनी उड़ रही है हवा के साथ, वो थोड़ी देर बाद फिर वही हाल हो जाता है। किचन भी ओपन एरिया में, उफ मेरे अल्लाह कितना ज़्यादा ठंडा। शुक्र है हमारा गीज़र फाइनली ऑन हो चुका है। हमने बोला भाई गीज़र, वो गैस की जो भी टाइमिंग हो भाई गीज़र तो ऑन हो ना कम से कम, तो वो अल्लाह का शुक्र है मेरी फरियाद सुन ली गई है। बस इसको अच्छा सा वॉश करेंगे अच्छा सा, और सिर्फ 2 मिनट्स के लिए इसको हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे और इसको ड्रेन करेंगे। अभी आपके सामने देखते जाइए, साथ साथ रहिए। जब तक जी आलू बॉईल हो रहे हैं ना, तो मैंने कहा आलू के फ्राइज़ बॉईल हो रहे हैं सिर्फ 2 मिनट्स के लिए होंगे, ठीक है। तो मैंने कहा मैं ना रात के खाने की तैयारी कर लूँ, बहुत ज़्यादा ठंडे मैं शाम में ही सोच के और करके रख लेती हूँ ना क्या पकाना है और क्या करना है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ ड्राई चिकन चिल्ली और जो है ना चाइनीज़ राइस, और सर्दियों में गर्म गर्म राइस बड़े मज़े के लगते हैं। तो ये गार्लिक पाउडर ले लिया 1 टीस्पून, और जिंजर पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, सफ़ेद मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, और कुटी हुई मिर्चें 1.5 टीस्पून, और सॉल्ट भी 1 टीस्पून लिया, ठीक है। इतने से इंग्रेडिएंट्स है, और बोनलेस चिकन लिए, और इनको ना स्ट्रिप्स में कटवाना है, यानी लंबा लंबा सा कटवाएंगे आप लोग। और इसमें जाएगा सोया सॉस और सिरका, सिरका भी 1 टीस्पून। मैरिनेट कर रही हूँ मैं, और ये तो फ़ौरन बन जाता है, चाइनीज़ का पकाना आसान है लेकिन इसकी जो कटनी होती है ना, ओह ये बड़ी मुश्किल होती है। ये खोल दिया बेटा मैंने, और ये सोया सॉस 1 टेबल स्पून ना, बहुत टेस्टी होता है ड्राई चिकन चिल्ली। बट ये है कि ये ना बड़ों को ज़्यादा पसंद होता है, क्योंकि इसके ड्राई चिकन चिल्ली है तो इसमें जो है ना चिल्ली ग्रीन वाली जाएगी, और वो बड़ा मज़े का टेस्ट देती है, उसको क्रंची सा रखते हैं। मेरे और मेरे हस्बैंड का तो फेवरेट है, एक रेस्टोरेंट होता है वहाँ यहाँ कराची में बड़ा मशहूर ना, उनकी स्पेशलिटी है, बड़ा मज़े का बनाते हैं वो लोग। लेकिन अब प्राइस ना हाई से हाई होते जा रहे हैं, और रेस्टोरेंट्स में भी जाते हैं तो बड़ी देख समझ के सोच समझ के जाना पड़ता है, और वैसे भी आजकल गैस का इशू है ना, तो कुछ ना कुछ बाहर से कभी रोटी लानी पड़ जाती है कभी कुछ, तो बड़ा भाई हम हाउस वाइफ के लिए और मर्दों के लिए भी बड़ा मसला बना हुआ है। खैर अल्लाह सब कुछ कर रहे हैं और वही खिला रहे हैं, इंसान की तो औकात नहीं है, वही सब कर रहे हैं। तो बस ये हो गया है भाई मैरिनेशन इसका तैयार। तो यहाँ पे जी आलू बॉईल हो चुके हैं और देख सकते हैं इसमें से भाप निकल रही है। बस इसके बाद ना इसमें चावल का आटा डाल रही हूँ, चावल का आटा लेके एक दफ़ा रख दें आप लोग, काम आएगा आधा किलो। मैं तो फ्रिज में रखती हूँ ताकि इसमें थोड़ा भी कोई भी घुन या कीड़ा वगैरह ना लगे ना।
और इस स्टेज पे ना आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है हाथों से, ताकि हर जगह आटा लग जाए। एक तो इससे क्रिस्पी फ्राइज़ बनेंगे बिल्कुल बहुत ही अच्छे। और यहाँ पे ना आपने जब ये बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे ना, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएंगे, तो पॉलीथीन बैग में डाल दें, शॉपर्स में डाल दें, कंटेनर्स में डाल दें, जिसमें दिल करे, और ना फ्रीज़ कर दें। वह बच्चे स्कूल जा रहे हैं ना, उस वक्त आप लोगों ने ये फ्राई करना है और दे देना। इतने अच्छे बनते हैं चावल का आटा लगाने से। कुछ लोग कॉर्नफ्लावर लगाते हैं, कॉर्नफ्लावर से भी अच्छे बनते हैं, लेकिन चावल का आटा ज़्यादा बेस्ट होता है। बस ये स्टिक हो गया। अभी ये वाले तो मैं फ्राई करूँगी अभी के लिए, शाम के लिए। और जो है ना, मैं जो दूसरा बैच है ना, उसको बॉईल करके, और अच्छा बॉईल करते हुए मैंने पानी में थोड़ा सा नमक डाला था, बॉईल करके और ना उसको फ्राई कर लूँगी, ओ सॉरी फ्रीज़ कर दूँगी। बस भाई यही होता है व्लॉग में, पता नहीं क्या क्या बोल रहे होते। तो शाम होते ही फिर मैं आ गई थी, बल्कि शाम नहीं, रात होते ही मैं बनाने आ गई थी यहाँ पे ड्राई चिकन चिली। और इसकी रेसिपी बहुत ही सिंपल है और बहुत ही क्विक है। जैसे ही जब आपको खाना हो उससे 15 मिनट पहले आप इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। यहाँ कर लिया था मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल ले लिया था, आप इससे कम भी ले सकते हैं। 2 गार्लिक को मैंने चॉप करके इसमें मैरिनेट की हुई चिकन डाल के बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर इसको स्टर करना है, अच्छे से फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाए। याद रहे फ्लेम बिल्कुल हाई हो, चिकन का पानी रिलीज ना हो। और उसके बाद जैसे ही आप देखेंगे कि सब चीज़ का कलर भी चेंज हो गया है और ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है, तो उसके बाद आप लोग डाल देंगे इसमें 4 टेबलस्पून केचप, टोमेटो केचप या गार्लिक केचप। साथ साथ तीनों सॉसेस भी जाएंगे, चिली गार्लिक सॉस और सिरका और सोया सॉस, और साथ में ओइस्टर सॉस अगर आपके पास हो तो वो तो लाजमी इस रेसिपी में डालिएगा। और उसके बाद फिर मैंने डाल दी थी यहाँ पर चिकन स्टॉक, 4 टेबलस्पून डालिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। 4 टेबलस्पून का मतलब 4 टेबलस्पून ही है, क्योंकि ये होता है ड्राई चिकन चिली। उसके बाद जब आपने चिकन स्टॉक डाल दिया यानी कि यखनी डाल दी, तो फिर 10 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे मीडियम फ्लेम पर। अगर चिकन में थोड़ी बहुत कसर है तो वो पूरी हो जाएगी। नमक मिर्च वगैरह मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, क्योंकि मेरे पास जो है ना मैरिनेशन में जितनी मैंने चीज़ें डाली थी वो बिल्कुल ठीक थी टेस्ट के लिहाज से, क्योंकि ये ड्राई बनता है। और उसके बाद जब आपकी चिकन भी डन हो जाएगी तो आपने ले लेना है 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और उसको पानी में घोल लेना है, और उसके बाद उसको इसमें डाल देना है और जल्दी जल्दी से उसको चलाना है। फिर उसके बाद मैंने 1 अदद शिमला मिर्च, 2 अदद जो है ना बड़ी वाली हरी मिर्चें इस तरीके से डायमंड कट काट ली थी, 1 प्याज सर्कल को हाफ करके इस तरीके से डाली थी, प्याज छोटी सी ली थी कि बहुत ज़्यादा मीठा ना हो जाए प्याज की वजह से। और फिर ये क्रंची क्रंची सा ही रखना है, इन सब्जियों को थोड़ा सा जो है ना फ्राई करना है और बस फ्लेम को ऑफ कर देना है। मुझे अच्छा लगता है कि सब्जियों में हल्की सी कसर हो, चाइनीज़ में स्पेशली इस रेसिपी में, तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और बस आप इसको डिश आउट कर लें। चाइनीज़ राइस की रेसिपी मैं काफ़ी दफ़ा दे चुकी हूँ, आप चाहें तो मेरे चैनल पर सर्च कर सकते हैं। ये है जी मेरे माशाल्लाह माशाल्लाह यमी यमी चिकन चिली और फ्राइड राइस का फाइनल लुक। आई होप आपको ये रेसिपी जब आप ट्राई करेंगे ना तो मुझे दुआएं ज़रूर देंगे कि क्या मैंने रेस्टोरेंट को भी पीछे छोड़ दिया ये रेसिपी देके। लाइक करके जाइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।